हाय एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग एंड फूड। तो बहुत लंबे समय के बाद फेस टू फेस मुलाकात हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा जॉब वगैरह को लेकर के बहुत अभी ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो इसमें वीडियो भी अपलोड वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ ऑन अ टाइमली बेसिस। बट स्टिल कोशिश रहता है कि जो भी वीडियो डाउनलोड करूँ तो एटलीस्ट वो जेनविन रहे और टू द पॉइंट रहे, ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मेरे द्वारा पहुँचे। तो इसी को देखते हुए एक और क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किया, उसको पूरा रिसर्च वगैरह करके लास्ट तक मैंने अप्रूवल तक करवाया, और फिर जो जो कठिनाई या तो प्रॉब्लम है तो चैलेंजेस मेरे को आए हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा कर दूं। तो मैं इस बार क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किया ये था अमेरिकन एक्सप्रेस का। अमेरिकन एक्सप्रेस आप लोगों को भी पता है कि आज के डेट में जितने भी क्रेडिट कार्ड पहले आए थे 1-2 साल पहले, तो और उस समय जो जो उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट या तो लॉन्च एक्सेस को लेकर के जो भी प्रॉमिस किया था विद द टाइम, वो सब सारा ये लोग डिवेल्युएट करते हुए हैं। मतलब कि अगर वो लॉन्च एक्सेस देते थे, अब कुछ क्राइटेरिया बना दिए हैं कि अगर आपको इतना रुपया खर्चा करोगे तो ही लॉन्च एक्सेस वगैरह मिलेगा, अगर खर्चा नहीं करोगे तो लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड नहीं रहेगा। और बहुत सारे पॉइंट या तो रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह भी मिलते थे, उसको भी डिवेल्युएट कर दिया गया है आज के डेट पे। तो ये सब को देखते हुए अमेरिकन एक्सप्रेस जो क्रेडिट कार्ड है ये उसमें खरा उतरता है, क्योंकि आप लोगों ने रेयरली सुना होगा कि ये क्रेडिट कार्ड अपना जो पॉइंट है डिवेल्युएट वगैरह किया हो इन फ्यूचर, और मतलब बहुत कम ये लोग इस तरह का न्यूज़ वगैरह आप लोग सुने होगे कि ये डिवेल्युएट वगैरह का कुछ अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से न्यूज़ वगैरह आ रहा है। वो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर रिवॉर्ड पॉइंट चला रहे हैं मतलब 1 रुपये में 1 पैसा मिलना है, मतलब 1 रुपया एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपया अगर खर्चा करते हो तो वो मिलना है तो वो मिलेगा, और वो अच्छा खासा समय वो लोग खींचते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 साल में ही तुरंत ही मतलब डिवेल्युएट वगैरह करके कुछ भी नया रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह बना देंगे। हालांकि मैं आप लोगों के साथ बता देना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिकन एक्सप्रेस है ये अभी 25 न्यू सिटी में अभी अवेलेबल हुआ है। जो एड्रेस है मतलब जो सिटी का नाम है मैं आप लोगों के साथ बता दे रहा हूँ, लाइक आगरा, अजमेर, औरंगाबाद, अमृतसर, इलाहाबाद, अम्बाला, चित्तौड़, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, गुंटूर, जोधपुर, कोझिकोड, कानपुर, कोल्हापुर, मदुरई, कर्नूल, मेरठ, पटियाला, राजकोट, रांची, तिरुची, त्रिशूल और उदयपुर और राजकोट। ये टोटल 25 सिटी है जिसमें न्यू जो सर्विसेज है अमेरिकन एक्सप्रेस का ये लागू कर दिया गया है। इससे पहले कुछ सिटीज़ थे जिनमें ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस का जो सर्विसेज थे वो चल रहे थे, लाइक अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, कोची, कोम्बेतोर, कटक, कोची, दिल्ली NCR, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जयपुर, इंदौर, पुणे, मुंबई, सूरत, विजयवाड़ा, वडोदरा, लुधियाना, विजाग, मैसूर, नासिक, नागपुर, तिरुवनंतपुरम। तो ये जो सिटी थे इसमें पहले से अमेरिकन एक्सप्रेस के जो सर्विसेज थे वो अवेलेबल थे, और अभी फिलहाल 25 न्यू सिटीज़ में ये अवेलेबल हो गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, हालांकि मैं लिस्ट भी आपको ये वीडियो में यहाँ पर आपके साइड में लगा दूंगा, वो आप लोग लिस्ट को लेकर के आप लोग रेफर वगैरह कर सकते हो, और अगर आप लोग इस सिटीज़ के अंदर आते हो तो आप लोग आराम से अप्लाई वगैरह कर लो, क्योंकि मैंने अप्लाई करते समय जो मेरा सिटी था ये किसी भी शहर में मतलब नहीं आता था, तो मैंने आधार कार्ड का जो एड्रेस था उसको मॉडिफाई करवाया था, क्रेडिट कार्ड का जो मैंने स्टेटमेंट था उसको दिखा करके, और मैंने जो ये न्यू 25 सिटीज़ एडेड है वो एड्रेस कार्ड फॉर द टाइम बिंग वो चेंज करवा लिया था आधार में, तो उसके बिहाफ पे मेरा जो कार्ड था ये अप्रूवल वगैरह हो गया। तो ये जो लगभग 2-3 सीरीज़ में चला दूंगा मैं, पहला मैं अप्लाई करने का प्रोसेस, दूसरा मैं एक वीडियो KYC में क्या क्या पूछा था क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश बात करने का भी मतलब इन लोगों का तरीका मतलब नेक्स्ट लेवल स्टैंडर्ड रहता है, तो इसमें वीडियो KYC में मतलब स्टैंडर्ड लिया था, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी अलग टाइप का, मतलब जो पहले जिस तरह बैंकों ने अपना वीडियो KYC लिया उस टाइप का वीडियो KYC इस बैंक में आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर आप बोल सकते हो, वेरीफिकेशन भी करेगा तो अच्छा से करेगा ये लोग। तो सेकेंड पार्ट में मैं वीडियो KYC डाल दूंगा, और जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें अगर कोई मेरे साथ होम वेरीफिकेशन है तो फिजिकल वेरीफिकेशन वगैरह हुआ था वो आपको बता दूंगा, तो कार्ड का जो अनबॉक्सिंग है तो अनपैकिंग का वीडियो उसमें आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो वीडियो में आगे बढ़ते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइड्स, लेट्स गेट इनटू द डिटेल। नाउ कौन सा मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो आप लोग इस वीडियो में ही देख सकते हो कि मैंने अप्लाई किया था अमेरिकन एक्सप्रेस का स्मार्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, और इसमें आप पूछोगे कि सिर्फ यही क्रेडिट कार्ड है क्या और भी कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है क्या,
तो आप ऊपर में देख सकते हो स्मार्ट अर्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम कार्ड है, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, एन नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड है। बट स्मार्ट अर्न जो क्रेडिट कार्ड है ये थोड़ा सा मिनिमम चार्ज आप लोग से करता है जो कि आप अफोर्ड वगैरह कर सकते हो। और अगर आप ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको 500 रुपये एज अ गिफ्ट वाउचर दे दिया जाएगा, आपके स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा, कोई आपको वाउचर या तो कूपन वगैरह नहीं मिलेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर आप पहले 90 दिनों के अंदर 10,000 स्पेंड कर लेते हो तो। और फीस वगैरह के बारे में आप लोगों को बता दूं कि 495 प्लस एप्लीकेबल टैक्स वगैरह लगेगा, 495 एप्लीकेबल टैक्स वहाँ पर प्लस 18% GST आ जाएगा, तो जो भी बन करके आएगा वो आपको इसका एनुअल फीस वगैरह देना पड़ेगा। एनुअल फीस अगेन वेव ऑफ हो सकता है अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप 40,000 रुपये स्पेंड कर लेते हो तो आपका जो मेंबरशिप वगैरह फीस वगैरह है ये आराम से वेव ऑफ हो सकता है। और आप पूछोगे और क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह और फीचर वगैरह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेनिफिट्स क्या है। एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट ऊबर बुक माई शो वगैरह में आप स्पेंड वगैरह करोगे ये क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। कैशबैक के बारे में तो मैं बता दिया कि 10,000 अगर आप स्पेंड करते हो 90 दिनों के अंदर तो 500 रुपये कैशबैक डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा 500 रुपये का अगर आप जो माइलस्टोन है इनका अगर आप उसको अचीव कर लेते हो, लाइक 1.20 लाख रुपीज़ या तो 1.80 लाख रुपीज़ या तो 2.40 लाख रुपीज़ आप अगर स्पेंड कर लेते हो अगर 1 ईयर में, तो आपको कुछ गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। रीन्यूअल अगर मैंने बता दिया कि अगर आप साल भर के अंदर 40,000 रुपये स्पेंड कर लेते हो तो आपका फीस जो लग रहा है वो रीन्यूअल वगैरह हो जाएगा। और कोई भी परचेज को आप अपना उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। और 0 फोरक्लोजर चार्ज, अगर आपका आपके पास पैसा आ गया है और जो आपका ईएमआई चल रहा है उसको आप क्लोज करवाना चाहते हो तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह भी आपको देना नहीं पड़ेगा। रिवॉर्ड वगैरह के बारे में है, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, मैं अगर बताने को चलूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खींच जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप प्रोग्राम जो इनका है बेनिफिट्स वगैरह या तो रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह का आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ऑफर एंड प्रिविलेज वगैरह क्या क्या है, 24/7 रिलेटेड असिस्टेंट है, इनका जो कस्टमर सपोर्ट है टॉप नॉच का है, मतलब बाकी बैंकों से कंपेयर करोगे तो इसका कोई स्टैंडर्ड वे मतलब आप बोल सकते हो हायर है, इसको कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने भी इनसे 2-3 बार ही जब बात किया तो इनका कस्टमर सपोर्ट टॉप नॉच का है। और एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपका इनकम जो है 4.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में आपका इनकम जो है 6 लाख से अबव होना चाहिए। करेंट रेसिडेंस होना चाहिए आपका, इंडियन वगैरह होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो कंपनी है कम से कम 12 साल से ऊपर का होना चाहिए, गुड क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसको अप्लाई करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो कुछ इसी कार्ड का बेनिफिट्स और फीचर्स वगैरह बताया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। 0 लायबिलिटी कॉस्ट वगैरह है इसमें, मतलब अगर कार्ड वगैरह खो जाता है, कुछ अगर स्कैम वगैरह या तो फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बट अगेन आपको तुरंत ही इंस्टेंट आपको इसको रिस्पॉन्ड करना होगा, या तो कस्टमर केयर जो है उसको अप्रोच वगैरह करना होगा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, तो वो लोग उसका प्रिकॉशनरी मेजर वगैरह उसके यहाँ पे ले लेंगे। तो ये कुछ का बेनिफिट्स एंड फीचर है, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। नाउ अब बात आता है कि कार्ड का एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस वगैरह है, तो प्रोसीड वगैरह करने का है तो 3 स्टेप में, लाइक अबाउट यू, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कार्ड ऑप्शन एंड सबमिट। ये 3 ऑप्शन करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं टाइटल कर देना, मिस्टर मिस श्री जो भी रहेगा, मिस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, अपना फर्स्ट नेम लिखना, लास्ट नेम लिखना, मिडिल नेम लिखना, और अगेन डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, पैन नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिख लेना IF Form 60, ईमेल आईडी अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मोबाइल नंबर और करेंट पिन कोड जो कि मैंने बताया था कि रिसेंटली जो 25 सिटीज़ जो ऐड हुए हैं अगर उस सिटीज़ में आपका पिन कोड वगैरह आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेलेक्ट करना, नहीं तो पहले से जो इनके पास सिटीज़ वगैरह का ऑप्शन था अगर वो है तो उसके उसी का अगर पिन कोड करोगे तो ही आगे प्रोसीड कर पाओगे, नहीं तो यहाँ से जो एप्लीकेशन है ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो करंट एड्रेस का जो लाइन वन है, मतलब पूरा डिटेल एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना रहेगा, सिटी स्टेट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना। इम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, सैलरीड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि बिजनेस है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करके आई अंडरस्टैंड एंड एग्रीज टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आगे एग्रीज एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना।
जैसे ही एग्रीज एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा सेलेक्ट योर प्रेफरेंस फॉर द कार्ड, मतलब नेम ऑन द कार्ड क्या चाहिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। क्रेडिट कार्ड का 4 डिजिट का जो पिन है आपको यहाँ पर ही बनाना रहेगा, एक बार यहाँ पर बनाना, फिर उसको कन्फर्म करना। और जो आप चाहते हो कार्ड कहाँ पर डिलीवर होने का, तो आप करेंट एड्रेस पर चाहते हो कि कंपनी के एड्रेस पर चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर अपने एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक प्लीज़ सेलेक्ट योर ओपिनियन फ्रॉम योर ड्रॉप बॉक्स, मतलब पूछेगा कि आपका कोई डायरेक्टर वगैरह या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई लिंक वगैरह है कि नहीं है, तो अपने यस नो में कर लेना। और योर डिपॉजिटरी केवाईसी अगर ये आपके पास होगा तो आपने यहाँ पर इंटर कर देना, नहीं है तो इसको ऐसे भी ऑप्शनल है, कोई दिक्कत है नहीं इसको। और इसमें कुछ एग्रीमेंट वगैरह है कि क्या क्या एग्रीमेंट, लाइक इनरोलमेंट फॉर ऑनलाइन स्टेटमेंट, इसको एग्री कर लेना। ईमेल कम्युनिकेशन पे एग्री कर लेना। अदर बेनिफिट्स है उसको एग्री कर लेना। लाइक ये जो बेनिफिट्स था इसको मैंने अनचेक कर दिया था लास्ट में, कि कुछ को ब्रांडेड पार्टनर वगैरह के साथ अगर कुछ अगर आएगा तो आप इसको सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, तो ये जो है इसको मैं चेकबॉक्स पे हटा दिया था लास्ट में। और फिर वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह के, मेरे जैसे कि मैंने बताया था उसको, अगर आप लोग का कोई रिलेशन वगैरह होगा तो यस करना, नहीं अगर होगा तो नहीं करना। मेरे केस में नहीं था तो मैंने नो करके सबमिट कर दिया था। यहाँ पर सबमिट करेगा, आपका सिविल में इंक्वायरी जाएगा, चेक करेगा सिविल वगैरह, उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रोविजनली एक अप्रूवल आएगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूव हो कि नहीं हो। अगेन ये जो अप्रूवल है आपका सिटी का पिन कोड पे भी डिपेंड करेगा, तो मेक श्योर जो 25 पिन कोड रिसेंटली एडेड हुआ है उस पिन कोड का, उस सिटीज़ का पिन कोड वगैरह डाले तो अप्रूवल का चांसेस वगैरह बढ़ सकता है। तो इसमें क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कंपनी का नाम अपना डाल देना, जो कंपनी में आप अपना काम कर रहे हो, कंपनी का पिन कोड, कंपनी का एड्रेस वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर एंटर करके, सिटी, स्टेट और कौन सा इंडस्ट्री है, और कंपनी का अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देना। और अल्टरनेट फ़ोन नंबर मांगेगा, ये कंपलसरी है, इसको भी डाल देना। रेसिडेंशियल टाइप क्या है आपका, जो करंट एड्रेस आप लोगों ने दिया था वो, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, तो अपने रेसिडेंस स्टेटस क्या है आपका, उसका फिर सिटीजनशिप वगैरह क्या है, ये सारा जो डिटेल वगैरह है ये सब फिलअप वगैरह करके यहाँ पर नीचे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। कुछ समय का टाइम लेगा प्रोसेस करने को लेकर के। उसके बाद आपका एक जो है एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और एक प्रोविजनली अप्रूवल वगैरह ऐसे भी आपका हो चुका था, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में वीडियो केवाईसी वगैरह के जो जो लिंक दिया है इन्होंने, इसको लेकर के प्रोसीड कर जाना है। मेक श्योर जो वीडियो केवाईसी रहेगा संडे, मंडे टू संडे चलेगा, कोई भी इसमें हॉलीडे वगैरह नहीं रहता है, और सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हिसाब से अपना चलेगा, एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे वगैरह। और आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दिया था। और इसके बाद जो वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है ये मैं सेकंड वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी को अगर स्ट्रेच कर दूँ इस वीडियो को तो बहुत लंबा हो जाएगा। और वीडियो केवाईसी में मेक श्योर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, और वो भी मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी क्वेश्चन मेरे को पूछा था उसका एक स्लाइड बना करके आप लोगों के साथ साझा कर दूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि सेम टाइप का ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी वीडियो केवाईसी के साथ मेरा जो प्रोसेस वगैरह हुआ था मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस यही था, आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और इसी तरह का अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और थोड़ा सा अपना प्यार और आप लोग दिखा सकते हो। और इसी और भी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको पूरा कर देने को लेकर के। सो इसी नोट के साथ दिस इज राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू।